Good morning, students. Today I am going to discuss the topic Extinct and Vulnerable Fauna of India. So these five species, they are considered to be extinct fauna of India. These are Indian cheetah, Indian auroch, Cevatherium, Sumatran rhino and pink-headed duck. So we will discuss one by one. First, extinct species is Indian cheetah. इंडियन चीता चीता आप जानते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला जो जानवर है अर्थ के ऊपर वो है चीता. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एशियाटिक चीता, बट ये अभी सिर्फ ईरान के अंदर मिलता है, सो इसे हम बोलते हैं ईरानियन चीता. इंडिया के अंदर ये अभी एक्सटिंक्ट है, बट ये पहले राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा मिलता था. सो इसका रीज़न है एक्सटिंक्ट होने का हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग. सेकेंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज इज इंडियन ऑरोख. इंडियन ऑरोख ये हॉट एंड ड्राई एरिया ऑफ इंडिया के अंदर मिलते थे. सो ये भी चैलेंजिंग हंटिंग एनिमल है, लाइक वाइल्ड बफेलो एंड वाइल्ड बोर. दीज आर लार्जर देन द डोमेस्टिक कैटल विद हाइट ऑफ 6.6 feet एंड वेट ऑफ 1000 kilos. सेवाथेरियम ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल है इंडिया का. ये 7 feet टॉल है और ये टैलेस्ट एंड फास्टेस्ट मॉन्स्टर के अंदर कंसीडर होता था. ये इसे हम सेवाथेरियम नाम क्यों दिया, ड्यू टू लॉर्ड शिवा. नेक्स्ट है सुमात्रन राइनो. सुमात्रन राइनो सबसे ज़्यादा स्मॉल राइनो है जिसके सिर्फ 2 horns हैं. ये पहले बहुत रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज़ के अंदर या नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये पाया जाता था, बट नाउ इट इज़ एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. IUCN ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं रेड डाटा बुक के अंदर की स्पीसीज के अकॉर्डिंग, थ्रेटन्ड स्पीसीज की, तो उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर अब है सुमात्रन राइनोसीरोस, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अब इसका नंबर है 275. लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ इंडिया इज पिंक हेडेड डक. पिंक हेडेड डक को हम बोलते हैं, इट इज़ इसका जो कलर है ब्लैकिश ड्रॉप ब्राउन डक है इसका नाम. तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड था ये इंडिया की, और इसका थ्रू आउट इंडिया ये पाया जाती थी, बट इसकी ब्यूटीफुल अपीरेंस के कारण ही लोग इसे हंट करने लगे, और ड्यू टू हंटिंग इट इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी इन कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड. तो ये अभी भी बाकी वर्ल्ड के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है, मेनली नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये कई कई पाई जाती है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पीसीज इज़ वल्नरेबल स्पीसीज ऑफ इंडिया. वल्नरेबल स्पीसीज हम उन्हें बोलते हैं जो कि वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्ट होने के लिए, जिनका नंबर इतना कम हो गया है कि वो इन द नियर फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. तो फर्स्ट स्पीसीज है बारहसिंगा. बारहसिंगा को हम बोलते हैं स्वैम्प टियर. ये एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर फीड करता है और ग्रासेस के ऊपर फीड करता है. ये कान्हा नेशनल पार्क के अंदर मेनली पाए जाते हैं, और कुछ एक जो है स्पीसीज उसकी वो असम और उत्तर प्रदेश के अंदर है, बट दी आर एक्सटिंक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ब्लैक बक ये एंटीलोप की स्पेशल कैटेगरी है, और ये मोस्ट ग्रेसफुल हैं. पहले ये स्टेट एनिमल था पंजाब का, बट बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एंड नंबर ऑफ केसेज ऑफ पॉचिंग एंड हैबिटेट लॉस इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल. इट इज़ नो मोर स्टेट बर्ड ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, एंड दे आर यूजली फाउंड इन तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब एंड हरियाणा. नेक्स्ट इज नीलगिरी लंगूर. नीलगिरी लंगूर ये हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के अंदर, और ये मेनली पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर. इनकी यूनिकनेस है इस एनिमल की कि इसके 2 distinct फर हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. इसकी ब्लैक बॉडी के ऊपर जो है वो ब्लैक फर है, और इसके हेड के ऊपर गोल्डन फर है. इनका भी जो रीज़न है डिक्लाइन होने का वो है डिफॉरेस्टेशन एंड शूटिंग. नाउ याक जो है ये हिली एरियाज़ के अंदर होते हैं, मेनली इंडिया के अंदर ये हिमालयन रीजन्स के अंदर आपको मिलेंगे. इनकी जो ये दे आर ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल बिकॉज इनकी अनकंट्रोल्ड हंटिंग हुई है, जो कि नेटिव्स या मिलिट्री वालों ने की है. सो दे आर द प्राइम रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज.
नेक्स्ट इज वन हॉर्न राइनो. वन हॉर्न राइनो को हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन राइनो. ये इंडियो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर मिलते थे, बट नाउ इनका भी जो नंबर है वो एक्सेसिव हंटिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से कम हो गया है. नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले टर्टल. ऑलिव रिडले टर्टल ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज ऑफ टर्टल्स हैं इन द वर्ल्ड, येट दे आर वल्नरेबल बिकॉज ड्यूरिंग माइग्रेटरी रूट जो है, ड्यूरिंग देयर माइग्रेटरी रूट, तो इनके जो रीजंस हैं डिक्लाइन होने के वो है फिशिंग एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर नेस्टिंग बीचेस. नेक्स्ट इज रेड पैंडा. रेड पैंडा को हम बोलते हैं रेड फॉक्स. ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर है इंडिया का. तो इंडिया के अंदर ये मेनली मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर. ये जो बैम्बू के अराउंड या ट्रीज़ के अराउंड आपको जंप करते हुए मिलेंगे. तो पहले जो है ये इंडिया के अंदर या अभी भी कई एरियाज़ के अंदर ये एज पेट्स रखे जाते हैं इन इंडिया एंड नेपाल. सो बट दिस ब्यूटीफुल स्पीस इज़ ऑल्सो फेसिंग द रिडक्शन इन नंबर ड्यू टू देयर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज स्लोथ बियर. ये टैमेबल स्पीसीज हैं, इन माउंटेन्स के ऊपर पाए जाती हैं. इंडिया के अंदर ये हिमालयन रीजन्स के अंदर मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो परफॉर्म्ड एज या कैप्ट एज पैट बाय सम पीपल. और इनका वल्नरेबल होने का जो रीज़न है वो है शेल्टर लॉस एंड पॉचिंग. मार्बल्ड कैट. मार्बल्ड कैट ये लिटिल वन है, ये और स्पॉटेड होते हैं हिमालयन फुट हिल्स के अंदर. ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है सिंस 2002. सो दे एग्जिस्ट इन लो डेंसिटी. डिफॉरेस्टेशन वो इनका अनदर रीज़न है रिडक्शन होने का. नेक्स्ट इज़ रेड गोरल. रेड गोरल ये इतने रेयर हैं कि लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होता. एंड दीज स्पीसीज दे आर फाउंड इन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. सो दे आर मोस्ट कॉमन इन द एरियाज वेयर द तीन जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज मीट करती हैं, वहाँ पे होते हैं ये. एंड दिस एनिमल इज़ ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट वल्नरेबल स्पीसीज इज इंडियन कोबरा. इंडियन कोबरा को हम बोलते हैं किंग कोबरा. ये इंडिया के अंदर होता है वैसे नेटिव इसका, बट श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी मिलता है ये. और ये डेंस फॉरेस्ट के अंदर, रॉकी माउंटेन्स या वेटलैंड्स के अंदर ज़्यादा मिलता है. और इसका भी जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज इसका जो विनोम है किंग कोबरा का, वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं एंड हैबिटेट भी इसका लॉस हो रहा है. सो दिस वॉज़ अबाउट द एक्सटिंक्ट एंड वल्नरेबल फौना ऑफ इंडिया. थैंक यू.